नमस्कार दोस्तों, मुरलीधर फार्मिंग यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज हम इस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैंने एक मशीन बनाई है छोटी सी, जो बैरल में से कुछ भी जो गेहूं होते हैं हम स्टोर करते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम इस मशीन से निकाल सकते हैं। और इस मशीन को फ्लेक्सिबल स्क्रू कन्वेयर कहते हैं, जो मैंने छोटी सी बनाई है। ये 12 बोल्ट की एक मोटर है और इसको मैं स्प्रे पंप से, जो बैटरी होती है उससे मैं सप्लाई देने वाला हूँ। तो कैसे निकलता है तो आप देखिए, और बैरल में से आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसमें बैरल को हमें जो उल्टा करना पड़ता है वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो ये वो पाइप है, ये पाइप भी जो मैं पानी का होता है जो सक्शन पाइप वही है, और इसके अंदर एक स्प्रिंग है जो गेहूं को है, कुछ भी गेहूं या कुछ भी जो धान हो उसको निकालता है ऐसे। तो पहले मैं आपको यह ऐसे दिखाता हूँ कैसे ये चलता है। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है, वो घूमेगा। तो ऐसे ये काम करता है। अब मैं आपको इस बैरल में डाल के गेहूँ निकाल के दिखाता हूँ कि कितने इस जो पाइप में है कितने गेहूँ निकलते हैं। और ये पाइप है वो आधा इंच का है, तो उसके मुकाबले वो मुझे लगता है अच्छा ही निकलता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है फ्लेक्सिबल स्क्रू कन्वेयर वो अभी काफ़ी यूज़ होने वाला है, और उसका यूज़ अभी का भी इंडस्ट्री में भी होता है। तो उसमें क्या वो बड़े स्क्रू कन्वेयर होते हैं, जो ये जो आधा इंच का पाइप है उसकी जगह 4 इंच का 3 इंच का होता है, और वो 70 या 100 फीट तक तो जो गेहूं है कुछ भी उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब इस पाइप को मैं इसमें डालूँगा, अब देख सकते हैं, और वो ऐसे अब हम सीधा ही रखेंगे फिर भी ये गेहूँ निकालेगा। तो ये देखिए आधा बैरल है उसमें, तो इतना सा पाइप हमने डाल दिया है। तो अभी हम चालू करके देखेंगे कि गेहूँ आते हैं कि नहीं। अब देख सकते हैं मैंने थोड़े से निकाल के भी रखे हैं, और ये जो गेहूं है ये इसके माध्यम से ही निकले हैं। तो हम अभी चालू करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं गेहूं आना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको ऊपर करके भी दिखाऊंगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमने 1 या 1.5 मिनट है वो चलाया, उसमें जो ये बाल्टी है सारी गेहूं की है वो भर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वो निकलता है। और ये मैंने उसका जो टाइम मेजरमेंट करके भी देखा था, तो 1 मिनट में 2 किलो तो निकाल ही देगा गेहूं। और इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो ट्यूबवेल होती है, सोयाबीन होते हैं या बाजरा, ज्वार, वो सब निकलते हैं, मूंग हो। उससे जो बड़े दाने वाले हैं जैसे मक्का को, वो नहीं निकल सकता क्योंकि ये 1/2 इंच का पाइप है। तो उसके लिए हमें मशीन को बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये मशीन को आप है ये बैरल में से निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और आपको जो ज़्यादा मेहनत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ढक्कन को खोल के इस पाइप को डाल लें और थोड़ी देर चालू करके रख दीजिए, आपका जो है वो गेहूं निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वो गेहूं निकलता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, और जो भाई चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना।